नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, घरेलू हिंसा के मामले में मैंने आपको बताया था कि घरेलू हिंसा के केस को ख़त्म करने के लिए 60 दिन का टाइम पीरियड हमारे घरेलू हिंसा एक्ट में दिया हुआ है। और मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि 60 दिन में इस घरेलू हिंसा को ख़त्म करने का एप्लीकेशन आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। इसके फायदे बहुत सारे हैं दोस्तों। इससे होगा ये कि घरेलू हिंसा साबित कर पाना इतना आसान नहीं है, वो भी तब जब घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है। तो घरेलू हिंसा नहीं हुई है तो इसको बड़ी आसानी से साबित किया जा सकता है कि नहीं हुई है। 60 दिन में फैसला हो जाएगा दोस्तों, भरण पोषण से आप बच जाएंगे। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक नई खबर आपको बता सकूं। आज ही कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा है कि 60 दिन के भीतर घरेलू हिंसा का केस ख़त्म होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कानून है। तो जब कानून ऐसा है तो उसको तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट में कहा था कि हम एप्लीकेशन देंगे, जज मानेगा नहीं। अरे जज क्यों नहीं मानेगा, जब ऐसा कानून है जज को मानना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी ही घटना कर्नाटका में घटी। घरेलू हिंसा के तहत मामला चल रहा था, व्यक्ति ने सीधा एप्लीकेशन दिया मजिस्ट्रेट को, इसको 60 दिन में निपटाइए। मजिस्ट्रेट ने शायद मना किया होगा, उसने रिट पिटीशन लगा दी कर्नाटका हाई कोर्ट में। जजमेंट दिया कर्नाटका हाई कोर्ट ने कि आपको 60 दिन में ही मैटर ख़त्म करना है, क्योंकि ऐसा लॉ बना हुआ है। कोई भी लॉ अगर फ्रेम है तो उस लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, तो ये तो फिर जिला कोर्ट है। तो इस जजमेंट का प्रयोग जरूर करें मित्रों, ठीक है। ये जजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, इसकी कॉपी आप निकाल लें, इजीली अवेलेबल है। आज ही आजकल में ही आया है ये, आप डालेंगे फटाक से मिल जाएगा। अलग अलग न्यू जो लॉ के पोर्टल होते हैं उस पर ये अवेलेबल जजमेंट है, आपको इजीली मिल जाएगा। ना मिले तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर इसकी कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस जजमेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को डाउट रहता है, इसलिए कह रहा हूँ कि इस जजमेंट का आप प्रयोग भी कर सकते हैं। और पहले से ही लॉ बना हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि 60 दिन के भीतर इस केस को ख़त्म करना है। 60 दिन में ख़त्म होगा तो इसमें होगा ये कि सबके फटाफट गवाह होंगे, बयान होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और जब ये फटाफट होगा तो जो लड़की और उनके फैमिली वाले लोग हैं ये अपने झूठ में फंसेंगे। और जो आप पहले इंटरिम मेंटेनेंस देते रहते हो लाइफ टाइम, फिर मेन मेंटेनेंस आप देते हो, आप इससे बच जाएंगे, क्योंकि घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है तो ये साबित ही नहीं हो पाएगी। और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर ये केस जल्दी ख़त्म हो जाए तो जिसमें मेंटेनेंस का लफड़ा, उससे आप बच जाएंगे। 60 दिन मतलब कितना, 2 महीने, बड़ी आसानी से इसको निपटाया जा सकता है। तो ज़रूर जो मैं जजमेंट दूंगा उसका अपने, अगर आप पर ये केस चल रहा है घरेलू हिंसा का, तो उस जजमेंट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, निस्संदेह जीत मिलेगी। और मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है मित्रों।